નમસ્કાર, આપની સાથે હું સેલ્વી. 22 જાન્યુઆરીએ અયોધ્યામાં રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવાની છે, જેને લઈને પૂરી તૈયારીઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. ત્યારે આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને ભવ્ય બનાવવા માટે યુપી સરકાર અને અયોધ્યાના પ્રશાસનો પણ પૂરા ઉલ્લાસથી જોરશોરથી તૈયારી કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ હાજર રહેશે, જેને લઈને ઓડિશાના મઠના શંકરાચાર્યનું એક નિવેદન સામે આવ્યું છે અને તેમણે કહ્યું કે ભગવાન રામની પ્રતિષ્ઠાની સ્થાપના પૂરી યોગ્ય રીતે થાય તે તો જરૂરી જ છે, પણ તેમની સ્થાપના પૂરા શાસ્ત્રો અનુસાર કરવામાં આવે તે વધારે જરૂરી છે. કોને મૂર્તિને સ્પષ્ટ કરવો જોઈએ, કોને ન કરવો જોઈએ, કોને આદર કરવો જોઈએ, કોને ન કરવો જોઈએ, તે બધી જ ચર્ચા આ નિવેદનમાં શંકરાચાર્યએ કહ્યું છે. અને તેમણે ચોખવટ કરી છે કે તે રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં હાજર નહીં રહીએ. તો શું છે તેમનું નિવેદન તે સાંભળીએ. પ્રતિષ્ઠા તો હોની ચાહીએ, લેકિન રામજી સેક્યુલર તો નહીં થે, વેદાદિ શાસ્ત્ર સંમત ધર્મ કે પાલન કરને વાલે થે, ભગવાન કે અવતાર હોને પર ભી તો શાસ્ત્રીય વિધા જો હૈ પ્રતિષ્ઠા કી પૂજા કી ઉસકા વિલોપ ના હો, ઉસકી પૂર્ણ રક્ષા હોની ચાહીએ. પ્રધાનમંત્રી આદિ જો હોતે હૈ ઉનકા દાયિત્વ હોતા હૈ કી જો શાસ્ત્ર સંમત વિધા હૈ ધાર્મિક આધ્યાત્મિક ક્ષેત્ર મેં ઉસમે જો વિધિ નિષેધ હૈ उनका पालन करवाने का उनका दायित्व होता है. कोई मर्यादा का उल्लंघन करना या करवाना उनका दायित्व नहीं होता, इससे तो उनका अपकर्ष ही होता है. तो महाराज ये पंडित लोग तो विधि विधान से अपना मंत्र आदि पढ़ेंगे ही, लेकिन मूर्ति के स्पर्श की कोई मर्यादा होती है, मुहूर्त का भी कोई शास्त्र सम्मत स्वरूप होता है, उन सब पर ध्यान न दे करके शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठा तो होगी, मंत्र आदि पंडित लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें एक प्रकार से जो सेकुलर तंत्र है उसका हस्तक्षेप पूरा है. बाकी जो तीन हैं उनसे संपर्क नहीं किया है. श्रृंगेरी का जो स्वरूप है मौन रहना या जिसका शासन है उसके साथ रहना, वो परंपरा से उनकी यही विधा होती है. और जो द्वारका के अभी हैं उनका वक्तव्य मुझे कोई कार में सुना रहे थे, वो मैंने सुन लिया. और जोशी मठ के विश्व हिंदू परिषद वाले आदि मानते हैं वासुदेवानंद जी को, कोई और भी हैं जो अपने को कहते हैं, तो वासुदेवानंद जी महाराज तो हमेशा से आरएसएस भाजपा के समर्थक ही रहे हैं. हमारा आपस में कोई संवाद नहीं है, कोई एक दूसरे से भिड़ने की बात भी नहीं. हमको जो कहना होता है हम कहते हैं, शास्त्र सम्मत विधा से कहते हैं, देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए कहते हैं. हमारी हर बात दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके है, किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं कभी बोलता नहीं. राजनेता क्या कहते हैं क्या करते हैं उससे हमारा ध्यान नहीं है. हमने जो अपने लिए निर्णय लिया है विवेकपूर्वक लिया. और रोजे दीपावली मने तो मुझे क्या, हिंदुओं के यहाँ तो विशेषता है संचय और शोक को हिंदू अधिक समय नहीं पाल सकता. आज यह पर्व यह त्यौहार क्या दो महीने का, संचय को द्रव्यादि और शोक को अधिक समय हिंदू नहीं पाल सकता. आज यह त्यौहार कल वह त्यौहार, कोई मर भी गया परिवार में अधिक समय तक शोक को नहीं पाल सकता, अधिक धन नहीं पाल सकता, उसको दान दो दक्षिणा दो, इस पर्व में स्वागत करो, यहाँ ब्राह्मणों को दो यहाँ अतिथियों को दो. संचय और शोक से मुक्त रखने वाले हिंदुओं के पर्व त्यौहार हैं, पर्व त्यौहार होते रहे अच्छा है. मोदी जी भार उठाने में समर्थ. भार नहीं झोंकते, भार तो उठाते ही है. नहीं होता है समझ गए. एक बार कोई हिंदू राष्ट्र की बात हम कर रहे थे, भारत अखंडता की, इंदौर है गीता भवन, वहाँ कोई अवकाश प्राप्त पदाधिकारी थे कार्यालय में बैठे हुए, अपने को वीआईपी मानते थे, प्रवचन में नहीं आते थे, कार्यालय में बैठ के सुनते थे. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हिंदू राष्ट्र भारत की अखंडता की बात करें, दिवा स्वप्न है, एक प्रसिद्ध है कि दिन में जो स्वप्न होता है वो सार्थक नहीं होता. तो हम तो को किसी ने आके कहा कि वो कह रहे कि आपका जो कहना दिवा स्वप्न है, तो हमने प्रवचन में कहा कि
श्रृंगेरी तो सुना होगा ना, एक कांची के पहले थे, कौन थे वो, नहीं जयंत सरस्वती, जयंत सरस्वती जी ने हमको कांची के लिए निमंत्रण दिया। श्रृंगेरी वालों को मालूम पड़ा चार पीठ में तो श्रृंगेरी है कांची ने, उन्होंने सोचा कि पूरी के शंकराचार्य कांची जाएंगे कहीं वो पीठ न सिद्ध हो जाए मूल, इसलिए उन्होंने भी निमंत्रण दिया हमको। तो हमको दिन में हम विश्राम कर रहे थे, स्वप्न हुआ कांची वाले तुम्हारे साथ ये चाल करेंगे और श्रृंगेरी वाले तुम्हारे साथ ये चाल चलेंगे, तुम इस प्रकार से अपना बचाव करना।